बहराइच में जहां बीते दिन पहले वन विभाग ने एक भेड़िए को पकड़ा, उसके बाद खुशी की एक लहर चल उठी। लेकिन आज बीती रात में भेड़िए ने एक साथ दो गांव में दस्तक दी और दो बच्चियों को अपना निशाना बनाया। बच्चियां हालांकि बच गई हैं लेकिन गंभीर रूप से घायल हैं और इस वार्ड में जो यहाँ का वार्ड है यहाँ पर एडमिट हैं, उनके परिजन बाहर खड़े हुए हैं। थोड़ी सी और चूक होती तो शायद बच्चियां आज जीवित ना होती। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे किस तरह से भेड़िए ने अटैक किया। हालांकि वन विभाग कह रहा है कि सिर्फ एक ही भेड़िया बचा हुआ है। ये देखने वाली बात होगी कि इस भेड़िए को वन विभाग कब तक पकड़ता है। आ जाइए, दर आ जाइए। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। सुरेंद्र जी, क्या घटना हुई आपके यहाँ? मेरे बहन का घर में सो रही थी। कौन सा गाँव है आपका? मैकोपुरवा। मैकोपुरवा। और घर में घुस के तक गला वाला पकड़ के घसीट ले गया कुछ दूर। जब चिल्लान है कसके घिघियान है तब जान बगल में। तो भेड़िया ही था, कोई जानवर था? नहीं, भेड़िया था। आपने देखा? हाँ देखा। किस तरह था? जैसे काला मुंह था, थोड़ा सा आगे की, और कुत्ता कुत्ता जैसा मुंह था और इतना लंबा था अपना। तब फिर क्या हुआ? वो पकड़ के गला घसीट ले गया कुछ दूर तक। जब चिल्लान है कसके तब जाग वाग पाए हैं, तब दौड़े हैं ले लेला थी, तब छोड़ के भाग है। क्या नाम है बच्ची का? सुमन। कौन है आप? बहे। और किसने देखा सबसे पहले? और तक हमारे माँ उठे, माँ ने देखा, रोए चिल्लाने लगे। तो ये सुमन के भाई थे, इन्होंने देखा भेड़िए का रंग रूप भी ये बता रहे हैं। एक परिजन और मौजूद है यहाँ पर, उनकी भी यहाँ पर बच्ची है 12 वर्षीय शिवानी। हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे किस तरह भेड़िए ने वहां पर दस्तक दी और घटना को अंजाम दिया। क्या नाम है आपका? अंजलेराम। क्या बच्ची का नाम है? शिवाना। क्या हो गया था? भेड़िया ने पकड़ लिया। कैसे? लेटे रहा, सो रहे माँ के तीर, अब भेड़िया ने पहुंचे यही पकड़ लिया, हैं चले गए। तब तक माँ वहाँ चिल्लानी तो सब जाए दौड़े, तो उसको साले को अब जब दौड़ लिया चौकीदार से तो लड़की पर गिर गए, तो वो छोड़ के भाग के गन्ने में फैल गए। तो जब एक भेड़िया कल पकड़ा गया था उसकी सूचना आप लोग को मिली थी? ना, हमारे उधर उठे ना पकड़ी। नहीं, जो भेड़िया कल पकड़ा गया उसकी सूचना आप लोग को मिली थी? मिली था। सुनकर खुश हुए थे आप लोग? हाँ खुश है। तो जब घटना हो गई है, तब दुर्घटना हो गई, तब तो अब कहाँ खुश हो गए। अब जो न मिलते लड़की चली जाती तब कहाँ पकड़े हो गए, पकड़े सब एक रहे। डरे हुए हैं आप लोग? आप तो डरे हैं, घर पर हमारे लड़का सब रो रहे हैं, जो घर पर आए हम नहीं रुकेंगे। यहाँ पर पकड़ा था, किस तरह उसने हमला किया? नट्टी यही पकड़ा था, भवानीपुर जिले में। महसिल आए, वहाँ जवाब हो गया, तो पहले दिलाए। हाँ। क्या उम्र है बच्चे की? बच्चे की 10 साल की। बच्चे की माँ कहाँ है? माँ घर पर है। और बच्चे हैं तो हम कहें तुम घर पर रहो, नहीं और को यहाँ देखो, पहले हम आ रहे हैं हम दो भैया। बच्ची आपकी कौन है? आपकी कौन है बच्ची? आज के बिटिया है, भाई की बिटिया है। तो ये भाई की बिटिया है इनकी। इन्होंने बताया किस तरह से उसने अटैक किया, घर के अंदर साइलेंट मोड से घुसा और बच्ची पर हमला कर दिया। यहाँ पर बच्ची के आप कौन है? मौसिया। बच्ची के मौसिया मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। क्या हुआ था कल रात को? कल रात को सुबह 5 बजे पे हम बिटिया सो रही थी, फिर वो चादर ओढ़ रही थी, चादर खींच ले गया पहले, फिर चादर खींच के वो बात को बिटिया को पकड़ लिया, गला काट दिया। फिर वहाँ से लेके चले मासी, भर्ती किया मासी में, जवाब हुआ तब बहराइच लेके आए। ज्यादा घायल हो गई? ज्यादा घायल हो गया है, गला काट दिया है। हाँ देखो, फिर अभी भर्ती हुई है, जो भी आए। तो अब क्या कर रहे हैं आप लोग? अब लोग हम लोग क्या करेंगे? और बच्चे तो घर में होंगे? और बच्चे भी हैं, उनके कैसे बचाव करेंगे? अब सरकार को सोचना चाहिए कैसे बचाएं कैसे न बचाएं। ये सरकार तो लगातार वन विभाग काम कर रहा है, 5 भेड़ियों को पकड़ा भी है, कल भी एक भेड़िया पकड़ा गया है, तो उसके लिए आप सरकार को कहिए। बस तो साथियों, ये परिजन थे, इन्होंने अपना दर्द बताया, भेड़िए का खौफ बताया। अब ये देखने वाली बात होगी, जो प्रशासन दावे कर रहा है, वन विभाग दावे कर रहा है, एक भेड़िया जो शेष बचा है उसको कब तक पकड़ता है। बहराइच के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से लोकल 18 के लिए बिन्नू वाल्मीकि की रिपोर्ट।